तो दोस्तों ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो चलिए इस फोन की सारी पोल खोल देते हैं। एप्पल के पास एक परफेक्ट आईफोन बनाने के लिए हमेशा से एक सीक्रेट सॉस रही है। उस सीक्रेट सॉस के 3 इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों। पहला, अपनी डिजाइन लैंग्वेज को कभी चेंज ही मत करो, 5-6 साल बीत जाने दो फिर कुछ सोचेंगे। दूसरा, दुनिया का बेस्ट कैमरा इस छोटे से फोन में ला के डाल दो। और तीसरा, कुछ ऐसे फीचर डाल दो जो कि एंड्रॉइड में हमें बरसों से देखने को मिलते हैं। मैं ये वाला फोन यूज कर रहा हूँ पिछले 6 सालों से, जब ये लॉन्च हुआ था बैक इन 2017 के अंदर। तो मेरे लिए आईफोन 14 प्रो मैक्स बहुत ही बड़ा अपग्रेड था और मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ पिछले 9 महीनों से। आप बहुत सारी वीडियो तो देख ही चुके होंगे, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि डब्बे के अंदर क्या मिलता है। डब्बे के अंदर तो कुछ नहीं मिलता, बस आपको फोन मिलेगा, वो भी शायद जल्दी आना बंद हो जाए। आपको एक केबल मिलेगी जो आपके बहुत सारी पड़ी होंगी, और कोई अडैप्टर तो होगा नहीं क्योंकि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना है हमें। और ये एक एप्पल स्टिकर्स मिलेंगे आपको, जो कि वो कहीं लगाता नहीं है, लेकिन हम इसको अपनी छाती पर लगा लेते हैं। आइए, चाहे एप्पल अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज करे या ना करे, लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है, जब भी आप फ़ोन को छूओगे, फील करोगे, तो आपको एक बात तो नोटिस करेगी कि ये किसी ज्वेलरी से कम नहीं है। मतलब इसकी एल्यूमिनियम बॉडी हो चाहे वो स्टेनलेस स्टील बॉडी हो, वो इतनी ज़्यादा स्मूथ, इतनी ज़्यादा एलिगेंट, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है देखने में। मतलब छू के लगता है कि आपने कुछ प्रीमियम लग्जरी कोई आइटम पकड़ रखा है। अगर मेन डिज़ाइन चेंज की बात करूं, जो मुझे फील हुआ था आईफोन 10 से 14 प्रो मैक्स में आने पर, वो हुआ था इसका एक बॉक्सी डिज़ाइन। मतलब इसका डिज़ाइन पहले तो स्मूथ राउंडेड था, लेकिन अब ये काफ़ी बॉक्सी हो गया है। फील हाथों में पकड़ने के बाद भी लगता है कि आपके यहाँ पे थोड़े से एजेस आ जाएंगे अगर आप लॉन्ग टाइम तक पकड़ते हैं। दूसरी चीज़ बात करूँ तो इसमें आता है डायनेमिक आइलैंड। डायनेमिक आइलैंड तो अब 15 की पूरी लाइनअप में आ चुका है, लेकिन पहले वो 14 प्रो मैक्स एंड प्रो में ही अवेलेबल था। जिनको नहीं पता है, डायनेमिक आइलैंड एक बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है। आप मान लीजिए आपका एक आइलैंड किचन है, आइलैंड किचन के अंदर एक आइलैंड निकला होता है जो किचन से थोड़ा सेपरेट होता है, वहाँ पे आप मोस्टली बैक्टीरिया रखते हैं, जहाँ पे सिंक वगैरह सब होते हैं, उसमें बहुत सारे काम होते हैं, इसलिए वो डायनेमिक वेरिएबल में परफॉर्म करता है। वही चीज़ सेम एप्पल ने लॉन्च कर दी है। उसमें सिंपल से एक कटआउट नॉच मिलता है आपको, जहाँ पे आप बहुत सारी फंक्शंस डाल सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक प्ले एंड स्टॉप, वेव फॉर्म्स, कैमरा आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, आपके लॉक, आपके सारे के सारे जेस्टर्स, ये सब कुछ आपका डायनेमिक वे में काम करता है। और ये स्क्रीन से हटकर एक आइलैंड में, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है डायनेमिक आइलैंड। अगर मैं यूजेबिलिटी की बात करूं, तो डायनेमिक आइलैंड आपको लगेगा स्टार्टिंग के पहले हफ्ते में मज़ा आ गया, एप्पल ने क्या इनोवेशन करी है, मतलब इसको बोलते हैं इनोवेशन। दूसरे हफ्ते आपको लगेगा कि भाई कुछ कुछ फीचर्स अच्छे हैं इसके, मतलब यूजफुल आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मज़ा आ रहा है। तीसरे हफ्ते से आप हो जाओगे मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं इसके। जैसे कि एक फीचर है कि जब फ़ोन आपका आता है तो ऊपर एक टाइमर लग जाता है, तो और टाइमर आपके सब कुछ रिकॉर्डिंग कर लेगा, आपको वेवफॉर्म भी दे देगा, कौन बोल रहा है, कौन साइलेंट है, कौन होल्ड पर है, तो आप उससे वो सब कुछ जज कर सकते हैं। इसकी डिस्प्ले भी अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब अब इसकी पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स है दोस्तों। इसका मतलब है आप दोस्तों को ऐसे रख के भूतिया स्टोरी सुना सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल वीडियोस देख रहे हैं तो आप 1600 निट्स तक का उपयोग कर सकते हैं फुल ब्राइटनेस के अंदर। और HDR कंटेंट के लिए वो मेनली 2000 निट्स का मैक्स ब्राइटनेस यूज़ करता है, लेकिन आउटडोर्स पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको अब मिलता है LTPO डिस्प्ले। इसका मतलब है अब आपकी स्क्रीन रिफ्रेश हो सकती है 1 Hz/s पर, इसलिए अब आपको मिल सकता है ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो कि एंड्रॉयड में 2010 में लॉन्च हो गया था, उसकी बात छोड़िए, लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा खाता है इसलिए मैं तो उसको ऑफ ही रखता हूँ। ओके, सो मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार है 1500 हॉर्स पावर की बुगाटी डीवो, और इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कुछ उसी तरह है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। इस फ़ोन के साथ मैं जो भी कुछ करूँ परफॉर्मेंस बेस्ड, वो ये आराम से झेल लेता है। मतलब अगर मैं इसके साथ कंट्रोलर कनेक्ट करूं और फिर गेमिंग करूं, चाहे मेरे साथ ऐसे ही गेमिंग करूं, ये हीट बहुत कम होता है और परफॉर्मेंस मुझे सस्टेन परफॉर्मेंस देता है बहुत लंबे टाइम तक। एंड्रॉइड को इसके बारे में ज़रूर कुछ सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। अगर मैं आपको क्रक्स में इसकी परफॉर्मेंस समझाऊं, तो ये एक फ्लैगशिप फ़ोन है, एंड एप्पल की तरफ से एक फ्लैगशिप फ़ोन में हमेशा आपको परफॉर्मेंस टॉप नॉच ही मिलती है। तो अगर आप उसको एडिटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, चाहे कंटेंट क्रिएशन के लिए, वो भी आराम से हो सकता है। बचा आपका नॉर्मल डे टू डे लाइफ, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, लेकिन एक बात की एप्पल को मैं ज़रूर थपथपाई दूंगा पीठ पर, कि एप्पल की चिप्स बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं, चाहे उसकी M1 लाइनअप्स हो, M लाइनअप्स या फिर A लाइनअप्स जो आईफोन में डलती हैं, वो इतनी एफिशिएंट है कि आपको इस फ़ोन में भी ऑल डे बैटरी लाइफ देखने को मिलती है। आप दिन दोपहर शाम रात पूरा फ़ोन यूज़ करिए, आपको आराम से एक अच्छी बैटरी लाइफ देखने को मिलेगी। मेरा फ़ोन अराउंड 8-9 आवर्स आराम से काम कर जाता है, लेकिन अगर मैं उसमें हैवी टास्क करूँ, जैसे कि GPS ट्रैकिंग
या फिर कंटेंट क्रिएशन या फिर शूट कर रहा हूँ कुछ भी, तो वो 5 to 6 hours रहता है अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो उसके अंदर। और इसी परफॉर्मेंस को देख के हमें पता चलता है कि एप्पल मेजरली जो एफिशिएंट चिप और जो चिप्स में परफॉर्मेंस का अपग्रेड करता है हर साल, वो बेसिकली आपके डे टू डे लाइफ के लिए नहीं होती, वो होती है कैमरा गियर के लिए। एप्पल ने 2015 में अपना कैमरा 12 megapixel का किया था और अब जाके 14 Pro Max के साथ उन्होंने अपना कैमरा अपग्रेड किया 248 megapixel। तो 48 megapixel को AI का या फिर आपका प्रोसेसिंग के लिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसर चाहिए कि आपके अच्छी कैमरा आएगा, आपको कोई लैग नहीं आएगा शटर स्पीड के अंदर, तो उसके लिए ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए। इसलिए ये जो मेन मेजर परफॉर्मेंस है वो कैमरा के रेप्लिकेट करने के लिए की गई है कि कैमरा आपका अच्छा से परफॉर्म करे। और इस बार कैमरा सेंसर 65% लार्जर सेंसर है एज कम्पेयर टू 12 Pro Max। उसका सेंसर भी काफ़ी अच्छा था, उसकी कैपेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन 14 Pro Max में लार्जर सेंसर की मदद से आपकी और लाइट्स अंदर आ पाएंगी, इसलिए आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो और अच्छी होगी और नॉइजेस जो हैं वो लेस होंगी। और 48 megapixel जिन अगर आपको 12 megapixel में शूट करना है तो आप उसको 2x में कर सकते हो, वो आपको 12 megapixel की एक अच्छी फोटो निकाल कर देता है विदाउट एनी डिजिटल क्रॉप जूम। अब जैसे कि इसका जो वाइड एंगल लेंस है वो मैक्रो लेंस की तरफ भी ऐड करता है, तो मुझे तो वो बात कभी कभार थोड़ी सी अटपटी लगती है, क्योंकि जो मैं मेजरली फ़ोन यूज़ करता हूँ वो नॉर्मल 1x पे यूज़ करता हूँ या तो 2x पे यूज़ करता हूँ, लेकिन जब हम मुझे पेमेंट करनी होती है तो कभी कभार हम सेंसर को अपना फ़ोन आगे लेकर आते हैं और कैमरा से स्कैन करने की कोशिश करते हैं QR कोड को, तो वो मैक्रो लेंस एक्टिवेट नहीं करता थर्ड पार्टी ऐप्स में, इसलिए वो फोकस ही नहीं कर पाता। मुझे बहुत दूर आना पड़ता है कि वो अपने 1x से ही जूम करे उसको और वो अच्छी तरह देख के रीड करे, क्योंकि इसका थर्ड पार्टी ऐप से जो फोकस डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अब अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो मैं आपको डेमो शॉट्स सामने स्क्रीन पर दिखा दूंगा। इसकी पिक्चर काफ़ी क्लियर है एंड कलर्स काफ़ी नेचुरल है। पहले थोड़ा सा वाइब्रेंट मुझे ज़्यादा लगता था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस आईफोन, लेकिन ये वाले आईफोन्स के अंदर एक नेचुरल टोन देखने को मिलता है। इसके कलर्स वेल बैलेंस्ड है कि आप पोस्ट प्रोडक्शन को आपको जैसे लाइकेंगे, आपको वार्म चाहिए, आपको कोल्ड पिक्चर चाहिए, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं फ्रंट मेगापिक्सल से कंटेंट क्रिएट शूट करना चाहता हूं, तो ये रहा इसका डेमो। तो दोस्तों ये है आईफोन 14 प्रो मैक्स की फ्रंट फेसिंग कैमरा क्वालिटी, जो कि मैं शूट कर रहा हूं अभी 4K 25 frames per second में, और ये है इसकी कुछ पिक्चर क्वालिटी। आप कलर्स देख पा रहे हैं कितने नेचुरल हैं, कैसे नहीं है, ये एकदम रॉ है, मैं कुछ एडिट नहीं कर रखा है इसको, तो आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें एप्पल अभी भी इसको फिक्स नहीं कर पाया है, जैसे कि नाइट टाइम फोटोग्राफी के अंदर अगर आप लाइट की फ़ोटो या फिर लाइट ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पे वो एक हेलो इफेक्ट क्रिएट कर देता है। और इसकी वीडियो क्वालिटी की बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कैमरा कैसा भी हो बहुत लोग कंपेयर कर पाते हैं, जैसे कि पिक्सल कर लिया उन्होंने, सैमसंग ने कंपेयर कर लिया, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी तक आज तक एप्पल तक कोई नहीं पहुँच पाया है। वीडियो क्वालिटी जनरली एप्पल की सबसे ज़्यादा अच्छी और रिफाइंड है। वीडियो क्वालिटी के अंदर एप्पल के अंदर अभी भी सिनेमैटिक मोड आता है, जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, क्योंकि अभी भी जो सिनेमैटिक मोड है उसका वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है, कि थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड, थोड़ा सा एजेस अनरिफाइंड, तो मैं इतना यूज़ नहीं करता। लेकिन इसके अंदर नया मोड आया है, वो है एक्शन मोड, तो वो बहुत जल्दी फास्ट मोशन पिक्चर्स को बहुत ही स्टेडी वे में कैप्चर करता है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स काफ़ी अच्छी डील है, क्योंकि ये हमें चारों पिलर्स पे खड़े उतरते हैं। इनका डिज़ाइन अच्छा है, इनकी ऊपर की नॉच चेंज हो गई है, इनका कैमरा अच्छा है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो हालांकि यह 15 की लाइनअप लॉन्च हो चुकी है, लेकिन 2023 का पूरा जो लाइनअप था वो 14 के साथ ही चला, क्योंकि सितंबर में फ़ोन लॉन्च होते हैं। तो इसलिए मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको 14 प्रो या 14 प्रो मैक्स मिल रहा है अच्छे रेट में, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब US और बाहर इंटरनेशनल में तो डिसकंटिन्यू हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी आपको कुछ स्टॉक मिल सकता है। और एप्पल 15 की लाइनअप भी कुछ इस जोक की तरह है 14 आने के बाद। तो आई होप आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई हो, मैं ऐसी वीडियोज़ और इससे भी अच्छी वीडियोज़ आप तक ज़रूर लाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें।